हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, यानी कि एक न्यू थ्रेड क्रिएट करना सीखेंगे हम लोग रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके अपना माई थ्रेड बनाते थे कुछ इस तरीके से। देखिए, रनेबल एक इंटरफेस है और इसको इम्प्लीमेंट किया है थ्रेड ने, और इस थ्रेड क्लास से हम लोग बनाते थे अपना थ्रेड यानी कि माई थ्रेड। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग इस रनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करके एक माई थ्रेड बनाएंगे। यहाँ याद रखिएगा कि रनेबल जो है वह एक इंटरफेस है, और थ्रेड जो जिसका अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे वह एक क्लास है। तो थ्रेड से हम लोग एक्सटेंड करते थे माई थ्रेड, लेकिन अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे माई थ्रेड में और अपना थ्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ये जो आपका हायरार्की दिखाई दे रहा है क्लासेस का और इंटरफेस का, इसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि हमें आगे मतलब बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ओके, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे रनेबल इंटरफेस को न्यू थ्रेड क्रिएट करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कुछ पॉइंट, जैसे कि वी कैन डिफाइन अ थ्रेड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। रनेबल समझ लीजिए कि इंटरफेस का नाम है, तो जिस तरीके से रनेबल लिखा गया यानी कि आर कैपिटल में, उस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रनेबल इंटरफेस प्रेजेंट इन जावा डॉट लेंग पैकेज। जावा डॉट लेंग पैकेज में मैं आपको दिखा दूंगा कि ये रनेबल इंटरफेस जो हुआ क्या है, उसके अंदर क्या क्या, ठीक है। फिलहाल के लिए तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इट कंटेन्स ओनली वन मेथड एंड दैट इज़ पब्लिक वाइड रन मेथड। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जावा डॉट लेंग पैकेज के अंदर हमारा जो रनेबल इंटरफेस है वो मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद आप लिखिएगा जावा पी जावा स्पेस देकर जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल, और इंटरफेस करते ही आपको यहाँ दिखाई देगा ये इंटरफेस, ठीक है। इसमें सिर्फ एक मेथड है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड रन मेथड। ओके, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ लिखा हुआ नहीं पूरा, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए, यहाँ आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा है कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड रन, ये पूरा मेथड है, ठीक है, पूरा मेथड का नाम है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट है। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसका डिफाइन कैसे करना है आपको ये देख लेते हैं, यानी कि आप कैसे अपना थ्रेड डिफाइन करेंगे उसको देख लीजिए, ठीक है। आपको लिखना है क्लास माई थ्रेड, जिस जो भी आपके थ्रेड का नाम है वह थ्रेड का नाम यहाँ लिखना है, यानी कि माई थ्रेड की जगह पर आपको लिखना है। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है, जब हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं पहले इंटरफेस के टॉपिक में। ओके, सो क्लास माई थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल, जो कि आपका इंटरफेस है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने थ्रेड के लिए। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। नाउ ब्रेसेस ओपन देन पब्लिक वाइड रन मेथड आपको लिखना है, ठीक है। ओके, और इसके अंदर आप अपना कोड लिखेंगे, यानी कि जो भी टास्क होगा या फिर जो भी जॉब आप इसको दे रहे हैं वह जॉब आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जिसको कहते इसको यहाँ से यहाँ तक कहते हैं डिफाइनिंग थ्रेड, और इसको यहाँ से यहाँ तक कहते हैं कि आप इसको क्या जॉब दे रहे हैं, इस थ्रेड को क्या जॉब दे रहे हैं, वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं हाउ टू स्टार्ट थ्रेड। जो थ्रेड आपने इम्प्लीमेंट करके बनाया हुआ है उस थ्रेड को आप स्टार्ट कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है आपको, उसको स्टार्ट कैसे करना है, वो सारे कॉन्सेप्ट अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। क्लास 2100 मेरा मेन क्लास, इसके अंदर मेरा मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है माई थ्रेड, जो मैंने अभी इंप्लीमेंट करके बनाया हुआ ये थ्रेड, उसका मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है माई टी इक्वल न्यू माई थ्रेड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो जो थ्रेड आपने बनाया उसका एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। इसके नीचे जो लाइन लिखा हुआ है, यानी कि थ्रेड टी इक्वल न्यू थ्रेड, और बिटवीन पैरेंथेसिस लिखा आपने माई टी। माई टी क्या है, यहाँ जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो आपने यहाँ लिखा हुआ, तो इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले हो क्या रहा है, ये देखते हैं। थ्रेड देखिए, आपने यहाँ कोई थ्रेड क्रिएट नहीं किया, इसमें क्या है, एक मेन थ्रेड है, ये हम लोग जानते हैं कि आप JVM हमें एक मेन थ्रेड प्रोवाइड करता है। सो अभी तक मेन थ्रेड काम कर रहा है अपना। नाउ यहाँ आपने एक चाइल्ड, जो आपने थ्रेड बनाया हुआ है इम्प्लीमेंट करके, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये लाइन क्या कर रहा है, थ्रेड टी इक्वल न्यू थ्रेड। थ्रेड क्या है, थ्रेड हमारा एक क्लास है,
ठीक है। तो उस थ्रेड क्लास का आप यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस ये हमें लाइन लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिकॉज आप माई टी का यूज़ करके स्टार्ट नहीं कर सकते अपने थ्रेड को, अपने थ्रेड को जो थ्रेड आपने इम्प्लीमेंट करके बनाया हुआ रनेबल से, जो आपने इम्प्लीमेंट करके थ्रेड बनाया हुआ माई थ्रेड, उसको आप स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप यहाँ लिखें ये लाइन, अगर आप नहीं लिखते हैं, ठीक है, आप यहाँ लिखते हैं माई टी डॉट स्टार्ट, तो वह स्टार्ट नहीं होगा। क्यों स्टार्ट नहीं होगा? जस्ट बिकॉज माई थ्रेड जो आपका, जिसको आपने इम्प्लीमेंट करके बनाया हुआ, उस थ्रेड के अंदर स्टार्ट मेथड नहीं है और ना ही रनेबल नाम के इंटरफेस के अंदर स्टार्ट मेथड है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रनेबल इंटरफेस के अंदर सिर्फ एक ही मेथड है जो कि है रन मेथड, ओके। उसके अंदर और कोई भी मेथड नहीं है। सो स्टार्ट मेथड ना तो आपके द्वारा क्रिएट किए गए थ्रेड पर है और ना ही उस इंटरफेस पर है जिस पर जिसको इम्प्लीमेंट करके आपने अपने नए थ्रेड को बनाया है। तो स्टार्ट मेथड को आप कॉल नहीं कर सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट से, क्लियर है। सो स्टार्ट मेथड को कॉल करना जरूरी है, तभी आपका थ्रेड स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ एक्चुअली ये एक कंस्ट्रक्टर है थ्रेड क्लास का, एक कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, बट इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जान लीजिए कि अगर आप इम्प्लीमेंट कर दें तो आपको इस तरीके से लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि थ्रेड कीवर्ड है आपका, थ्रेड क्लास है एक्चुअली, थ्रेड क्लास आपको लिखना है, टीस का कैपिटल होना चाहिए। इसका आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आपको आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है बिकॉज आपको स्टार्ट मेथड को कॉल करना है, ठीक है। इक्वल न्यू थ्रेड, यहाँ आप लिखते हैं रनेबल टारगेट। रनेबल टारगेट का मतलब ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है। आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं इसलिए आपने इसको यहाँ आर्ग्यूमेंट के तौर पर दिया हुआ है, ओके। सो यहाँ इनडायरेक्टली आप लिख रहे हैं माई टी, ओके। सो गाइस बस इतना ही स्टोरी है इसका। उसके बाद ये फोर लूप है, फोर लूप जो है वो माई थ्रेड मेन थ्रेड के लिए, सॉरी ये फोर लूप मेन थ्रेड के लिए है, यानी कि मेन थ्रेड इसको रन करेगा और यहाँ से टी स्टार्ट के साथ ये आपका जो आपने जो थ्रेड बनाया है माई थ्रेड वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इस वीडियो के लिए इतना ही। ये तीन लाइन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहेगा। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।